दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी लाजवाब अदायगी और डायलॉग डिलीवरी से सभी दर्शकों का दिल जीता, भले ही आज बॉलीवुड में ये काम कर रहे हों या ना कर रहे हों, पर दर्शकों को इनकी आज भी पुरानी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है जिनमें इन्होंने अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बेहतरीन कलाकारों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि बीते वक्त के साथ साथ आपके फेवरेट सितारे आज पूरी तरह से बदल चुके हैं और आज इनका भरा पूरा परिवार है जिनमें इनके लाइफ पार्टनर और बच्चे शामिल है। तो इससे आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके लाइफ पार्टनर और बच्चों से रूबरू कराएंगे। नंबर एक, गिरीश कुमार। फिल्म रमैया वस्तवैया में राम के चुलबुले किरदार में घुंघराले बालों के साथ फैशनेबल कपड़े पहने गिरीश काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखाई दिए थे, लेकिन आज ये सिंपल हेयर कट के साथ फॉर्मल ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। वहीं अगर बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो इन्होंने साल 2015 में बिजनेस वुमेन कृष्णा मंगवानी के साथ साथ फेरे लिए थे, जिनके साथ आज ये मुंबई में बड़े आलीशान घर में लग्जरियस लाइफ स्टाइल बिता रहे हैं। वहीं अब बात करें इनके करियर के बारे में तो अब ये फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे और अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं। नंबर दो, मयूरी कांगो। अभिनेत्री मयूरी कांगो ने अपनी पुरानी फिल्मों में स्लैम ट्रैम देखने के साथ फैशनेबल कपड़े पहने नाइस हेयर स्टाइल के साथ काफी खूबसूरत और प्यारी नजर आई, लेकिन इन बीते सालों में अब इनका हेयर स्टाइल काफी ज्यादा सिंपल हो गया है और ये कपड़ों में सिर्फ कुर्ता सूट और रंग बिरंगे ड्रेसेस पहनती है जिनमें ये थोड़ी मोटी नजर आती है। लेकिन अगर बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो इन्होंने साल 2013 में जर्नल मेजर आदित्य ढिल्लो से शादी की थी, जिनकी शादी के बाद इनका एक बेटा है जिसका नाम कियान है। नंबर तीन, दीपक तिजोरी। 90s की फिल्मों में घने लंबे बालों के साथ पैंट शर्ट पहने अभिनेता दीपक तिजोरी काफी गुड लुकिंग लगते हैं। वहीं अभी बीते सालों में रंग बिरंगे कपड़ों में कुर्ता पजामा में सफेद दाढ़ी के साथ बिल्कुल बूढ़े दिखाई देते हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो इन्होंने फैशन डिजाइनर शिवानी तिजोरी को अपना हमसफर बनाया। वहीं शादी के बाद इनकी एक बेटी है जिसका नाम समारा तिजोरी है। नंबर चार, भूमिका चावला। तेरे नाम मूवी में सूट सलवार पहनकर लंबी चोटी रखकर सर पर विभूति लगाकर भूमिका चावला काफी संस्कारी दिखाई दी थी, लेकिन बदलते समय के साथ ये काफी अट्रैक्टिव हो गई और ये खुले सुनहरे काले बालों में बोल्ड सिंपल लुक में काफी खूबसूरत दिखाई देती है। वहीं ट्रेडिशनल वेयर में आज चमकता हुआ चांद दिखती है। लेकिन अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो इन्होंने साल 2007 में स्पिरिचुअल टीचर भरत ठाकुर से शादी कर ली, जिनके साथ ये एक बेटे की मम्मी बनी और इनको एक बेटे का आशीर्वाद मिला। नंबर पाँच, रजत बेदी। पुरानी फिल्मों में जीन्स टी शर्ट पहने नाइस हेयर स्टाइल के साथ तीखे नए नक्श में इनका लुक काफी कातिलाना लगता था, लेकिन बीते सालों में आज ये सफेद बालों दाढ़ी कोट पैंट स्टाइलिश ड्रेस पहनकर काफी बूढ़े नजर आते हैं। वह इनके चेहरे की रौनक आज गायब हो चुकी है जिसकी वजह से अब ये ओके ओके नजर आते हैं। वहीं बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मोनालिसा बेदी से शादी की थी, जिनसे इन्हें दो बच्चों का सुख प्राप्त हुआ जिनमें बेटे का नाम विवान बेदी है और बेटी का नाम बेदी है। तो दोस्तों इन सभी कलाकारों में से आप किस कलाकार के एक्टिंग के कायल हैं? आप हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।